आज हम बनाने वाले हैं घुघरा चाट। ये गुजरात के जामनगर का फेमस स्ट्रीट फूड है जो खाने में चटपटा, क्रिस्पी और सॉफ्ट होता है, जिसे आप स्टार्टर की तरह भी सर्व कर सकते हो। घुघरा चाट छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला चाट है। घुघरा चाट को हम दो पार्ट में बनाएंगे, स्टफिंग और घुघरा के लिए डो। तो आइए घुघरा चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में, जिसका नाम है कुकिंग स्टूडियो बाय बीसल। तो पहले डो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। उसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। और 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हो। तो तेल और नमक को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह आटा जुड़े इतना हमें तेल डालना है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मसलते हुए हम डो रेडी करेंगे। तो रोटी जैसा सॉफ्ट डो रेडी करना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि हम अच्छे से डो रेडी कर सकें। थोड़ा सा तेल डाल के हम आटे को एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये रोटी जैसा सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अब इसे हम साइड पर रख कर स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमने 2 कप बॉईल करके मैश किए हुए आलू लिए हैं। उसमें हम 1 कप सफ़ेद मटर जो मैंने बॉईल करके रखे हैं वो डालेंगे। उसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से धनिया पत्ता डालेंगे। और थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब 2 टीस्पून जितना नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हो। तो सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो स्टफिंग रेडी हो चुका है। अब आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो उसमें से अब हम छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। तो पूरी से थोड़े से बड़े गोले बनाने हैं इस तरह से। अब हम बेल लेते हैं। तो पूरी जैसा ही बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना है। बीच में थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे। और इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टफिंग होगा तो अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाएंगे और फ्राई करते वक्त टूट सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना हो उसका हमें ध्यान रखना है। तो किनारी से हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से जो फोल्ड किया हुआ भाग है उसे हम अंदर लेकर फोल्ड करेंगे और जो प्रेस किया हुआ है उसे हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, वो भाग बाहर निकलेगा, उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। अगर आपके पास घुघरा का मोल्ड हो तो आप घुघरे के मोल्ड में भी घुघरा बना सकते हो इस तरह से।
और जो ये पार्ट बचा है उसे हम नीचे की तरह फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह से सारे घुघरे बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो सारे घुघरे रेडी कर लिए हैं, अब हम फ्राई करेंगे। तो तेल को भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम घुघरा को धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, तो थोड़े थोड़े घुघरा को हम फ्राई करेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं कर पाएंगे। तो घुघरा को डालने के बाद तुरंत हमें नहीं पलटना है, हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद हम पलटेंगे। तो घुघरा को हमें एकदम धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। तो घुघरा को हम पलटते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे ताकि सभी साइड अच्छे से फ्राई हो जाए और एक जैसा कलर आए। तो जैसे समोसा हम फ्राई करते हैं उसी तरह से हमें घुघरा को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कलर आया है और सभी घुघरा में एक जैसा ही कलर आया है। तो फ्राई होके रेडी है, अब हम निकाल लेते हैं और बाकी के घुघरे को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो सारे घुघरा फ्राई होके रेडी है, अब हम सर्व करेंगे। तो घुघरा चाट बनाने के लिए घुघरा, तीनों प्रकार की चटनी और टॉपिंग की सामग्री तैयार है। तीनों चटनी की रेसिपी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो घुघरा चाट को सर्व करते हैं, तो उसके लिए एक प्लेट में हम घुघरा रखेंगे। और चम्मच से घुघरा को बीच में से इस तरह से थोड़ा प्रेस करेंगे। तो पहले हम खजूर इमली की चटनी डालेंगे। अब उसके ऊपर हम ग्रीन चटनी डालेंगे। अब हम लहसुन मिर्ची की चटनी डालेंगे। तो ये चटनी से घुघरा में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बारीक कट किए हुए प्याज डालेंगे। बारीक वाली सेव या तो नायलॉन सेव डालेंगे। मसाला सिंग डालेंगे। और ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारे टेस्टी चटपटा और सबको बहुत ही पसंद आने वाला घुघरा चाट। तो आप भी बनाइए और बढ़िया से घुघरा चाट की रेसिपी को एंजॉय कीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो घुघरा चाट की सामग्री को नोट करना चाहे तो कुछ इस प्रकार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाए ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।